हेलो प्यारे बच्चे तो कैसे आप सब उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट मैग्नेटेंट्स हिंदी माध्यम चैनल में।, में मेरे प्यारे बच्चे आज आप देख रहे हैं अब कलच के अनुप्रयोग उचिष्ट और निम्निष्ट पर आधारित प्रश्न वो भी पार्ट टू अच्छा ये सवाल हमने करने के मैथड भी बताए थे पिछले वाले पार्ट में हमने कितना आपको दो सवाल करके भी समझाए थे और देखते हैं आज के पहले सवाल की तरफ और ये कैसा है मासूम सा सवाल हमारा ये भी देख लेते हैं तो हमने क्या डिसाइड किया था हमने डिसाइड किया था कि पहले हम कोई सवाल लेंगे एफ ऑफ एक्स है ना एफ ऑफ एक्स लेंगे फिर कितना उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो ले लेंगे ताकि क्रांतिक बिंदु निकाला जा सके पक्का ओके बिंदु निकालेंगे ठीक है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये तीसरा पॉइंट अब उसके बाद हम चौथा पॉइंट जो भी यहां से x बराबर मान लो कोई नंबर आ जाएगा a1, a2, a3 ऐसे नंबर आएंगे फिर हम क्या निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन और उसमें हम एक बार a1 पुट करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन फिर ऐसा ही ए टू पुट करेंगे फिर ऐसे डबल डिफरेंशिएशन में ए थ्री पुट करेंगे और ऐसे चेक करेंगे अगर यह प्लस आता है या माइनस आता है, या जीरो आता है तब हमारा रिजल्ट कैसा होगा बेटा प्लस आएगा मतलब मिनिमा यहाँ पे कितना मैक्सिमा और यहां पे कितना पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन मतलब ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा फिर इसके बाद का आगे का प्रोसेस सॉल्व करते हैं ठीक है तो हमने एक बार प्रोसेस लिख दिया आप भी ध्यान कर लीजिएगा इस प्रोसेस को बहुत काम की चीज है बेटा जी अब आगे वाह क्या बात है? हम सॉल्व कर लेते अपना सवाल अब देखो इसमें से कौन सा तो पहला लेवल तो सवाल लिख लो सबसे पहले तो आइए भाई सबसे पहले सवाल लिखिए तो कितना है बेटा एफ ऑफ एक्स बराबर पहली बात कौन है एक्स माइनस वन है मतलब ठीक है फिर कितना एक्स माइनस टू है मतलब वो भी ठीक है और फिर कितना एक्स माइनस थ्री है उसके बाद कितना एफ डैश बेटा दूसरा एफ डैश एक्स मतलब एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री ठीक है अच्छा यहां पे दो कंडीशन है पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर ले पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई कर ले फिर बाद में हम डिफरेंशिएट करें वो भी एक अच्छा मैथड है अच्छा या फिर ऐसा मैथड है ये तीन टर्म्स हो गए पहला दूसरा और तीसरा तो क्या करना पहले वाले को छोड़ना है अगर पहले वाले मालो को मान लो डिफ्रेंशिएट कर तो बाकी दो को छोड़ना पड़ेगा तो x माइनस वन का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं अब देखो तो कितना x माइनस टू और x माइनस थ्री को छोड़ना पड़ेगा पक्का अगली अग बार में अगर आप एक्स माइनस टू का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या करना पड़ेगा बेटा x माइनस वन और x माइनस तीन को छोड़ना पड़ेगा फिर अगली बार अगर हम x माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं कितना x माइनस तीन का तो हमें क्या छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा? माइनस वन और x माइनस टू तो चलिए अब अगले स्टेप में देखते हैं x का डिफ्रेंशिएशन वन और वन का जीरो तो ये हो जाएगा वन तो वन का मल्टीप्लाई अगर इन दोनों से तो सिर्फ यही दोनों टर्म्स आएंगे मतलब कितना एक्स माइनस दो का मल्टीप्लाई एक्स माइनस तीन के साथ खुश ओके okay. अगला यहां देखो इस एक्स का डिफरेंशिएशन वन फिर दो है उसका डिफरेंस जीरो तो वन माइनस जीरो वन अब वन का मल्टीप्लाई इसके साथ यानी एक्स माइनस वन कितना एक्स माइनस थ्री खत्म अगला इसका का वन माइनस जीरो तो मल्टीप्लाई तो होने के बाद हो गया एफ हूं कि इसको एक ही टर्म में कंप्लीट कर लिया जाए पक्का तो ध्यान दीजिएगा अब एक टर्म्स में कैसे कंप्लीट करेंगे अब तो जगह बची ही नहीं बेटा तो पहले आप इसको लिख लीजिए ठीक है फिर हम थोड़ा सा मिटा देंगे इसको गुड नोट कर लिया शाबाश अगर आपने इसको नोट कर लिया तो यह हमारे पास ये प्रोसेस के लिए कोई इतना इशू वाला काम नहीं है तो यह प्रोसेस अभी हटा दे रहे हैं अभी हम ओ समझ गए ठीक अब ये वाला जो टर्म्स है इसे भी हटा दो अब ये पूरा टर्म्स को उठा करके हम ऊपर रख लेते हैं खुश बहुत बढ़िया अब इसके बाद हम ये सॉल्व कर लेते हैं देख बेटा ये कितना जाएगा x का स्क्वायर फिर कितना आ, प्लस का छ माइनस फाइव एक्स यहां कितना एक्स स्क्वायर प्लस का तीन माइनस कितना

छह तीन नौ नौ दो ग्यारह पक्का तो अब ये सवाल कितना आ गया तो ये एफ डैश एक्स है तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा कि एफ डैश एक्स क्या है आपके पास फाइनली ये देखिए अब दूसरा अब यही पे हम तीसरा क्या निकाल देते बेटा एफ डबल डेस एक्स तो एफ डबल डे एक्स कितना थ्री टू जा सिक्स एक्स माइनस बारह खत्म या बहुत ज्यादा है तो प्यार से सिक्स कॉमन ले सकते हैं तो ले लेना नहीं तो उसकी भी कोई जरूरत है तो एक्स माइनस टू हमारा बच बच गया अब ये क्या हो गया हमारे पास एफ डबल डेस एक्स पक्का इसको भी कॉपी कर लीजिए तो आपने क्या निकाल लिया आपने निकाल दिया सिंगल सवाल सेम कॉपी पेस्ट उसका डिफ्रेंसिएशन और फिर उसके बाद उसका डबल डिफरें तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा नोट कर लीजिए बेटा शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया नोट कर लिया अब देखो क्या है ना F -X जब निकाल ही लेते हो ना तो यहां पे एफ डबल डे भी निकाली लिया करो पक्का तो ये क्या मैंने यही पे इसलिए एफ डेस एक्स के बाद एफ डबल डेएक्स भी निकाल लिया अब हमारा पॉइंट क्या है क्रांतिक बिंदु निकालना क्या निकालना क्रांतिक बिंदु और वो कैसे निकलता है सिंगल डिफ्रेंशिएशन को जीरो लेने के बाद अब आओ देखो तो ध्यान दीजिएगा तीसरा पॉइंट क्रांतिक बिंदु के लिए ये वाला स्टेप मैं लिख के क्यों बता रहा हूं उसके पीछे रीजन है तो कितना क्या करेंगे लेट जो आपका एवडेस एक्स है वो जीरो ठीक है है भाई F x अब F x है क्या आपके पास स्क्वायर माइनस बारह एक्स प्लस ग्यारह थ्री माइनस बारह शून्य नॉर्मली ये वाला सवाल ना टूटेगा ना बिखरेगा तो एक बात सोचना हम क्या सोचते हैं हमारी जो मेंटेलिटी होती है हम बारहवीं में आने के बाद भी कि सर ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टूट के दो टर्म्स में फैक्टराइज हो जाएगा लेकिन भैया सुनो कभी अगर फैक्टराइज ना हो पाए तब तो हमारे पास श्रीधराचार्य वाला मेथड है और बाकी आप कोशिश कर लेना एक बार ठीक है ना ध्यान दीजिएगा तो ए बराबर कितना तीन बी बराबर कितना माइनस बारह और सी बराबर कितना ग्यारह तो देखो एक्स बराबर फार्मूला कितना होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना फोर ए सी अपॉन टू ए अच्छा ये निकालने से पहले आपको एक बात और बड़ी प्यारे से पता था कि जब ये आप निकाल ही रहे हो तो पहले आप डी निकाल लो और डी हम क्यों निकालते थे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आंसर तो आएगा है ना तो देखो डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट और दिस्क्रिम्नेंट लाने का पास फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चाहो तो पहले कर लो या बाद में कर लेना लेकिन अगर आप पहले कर लोगे तो फिर यहां कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी यहां पे फोर एसी की स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना और यहां अगर कर लिए तो देखो एक स्टेप इजी भी हो जाएगा तो d बराबर कितना बी स्क्वायर यानी माइनस बारह का स्क्वायर ओ सो स्वीट कितना बेटा 144 बहुत बढ़िया माइनस फोर इंटू ए ए की वैल्यू तीन c की वैल्यू 11 तो कितना हो जाएगा माइनस का चार दिया तैतीस तैतीस इंटू चार अब तैतीस इंटू चार कितना हो जाएगा देखो चार ती बारह के दो कैरी कितना वन फिर कितना चार ती बारह और एक तेरह एक, एक मैंने ठीक है तो डी बराबर ये कितना हो जाएगा एक सौ चौवालीस माइनस एक सौ बत्तीस अरे ये तो बारह हो गया पक्का तो डी बराबर बारह अब आगे सुनो फटाफट आइए यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालना वापिस शुरू रखिए मतलब आ, सेम टू सेम माइनस बी तो माइनस माइनस बारह प्लस माइनस अंडर ये कितना बेटा बारह अपॉन टू ए तो दो इंटू कितना एक वैल्यू तीन अगर आप प्यार से अभी भी देखो ना तो बारह है प्लस माइनस बारह को ले सकते चार इंटू तीन अब चार अंडर रूट कितना होता दो रूट तीन अपॉन में दो इंटू तीन मैं तो कॉमन लेके एक्स काट देता हूं तो यहां बच जाएगा छ प्लस माइनस रूट थ्री अपॉन थ्री पक्का गुड अब इसी को अगर आप चाहो सेपरेट करना चाहोगे क्या सेपरेट करना चाहोगे तो एक अलग बात है ठीक है बाकी मैं यहीं पे रख के छोड़ दूं क्या नहीं तो आप चाहो तो छह अपॉइंट तीन यानी कितना हो जाएगा दो और प्लस माइनस ये रूट थ्री के अपॉन में थ्री मतलब वन बाई रूट थ्री ऐसा भी लिख सकते हैं तो एक बराबर कितना दो वैल्यू क्रिएट हो जाएगी दो प्लस वन बाई रूट थ्री और एक बार कितना दो माइनस का वन बाय रूट थ्री जल्दी से ये चेक कर लो अब ये जो दो सवाल आया था मैंने बोला था ना एक्स बराबर कितना दो वैल्यूज आएगी तीन वैल्यूज आएगी ऐसी चार वैल्यू जाएगी जैसी क्रांतिक बिंदु आप निकालेंगे तो एक्स बराबर ए एक वन ए टू ए थ्री वैल्यूज आएगी अब इनको डबल डिफ्रेंशिएशन में और ये चेक करना है साइन कैसे पॉजिटिव है निगेटिव है तो जैसे ही अगर पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और में जीरो हम दोबारा की कोशिश करेंगे okay, तो शुरू के दो टर्म्स तो आप ध्यान ही कर लो कितना प्लस आए तो मिनिमा और माइनस आए तो मैक्सिमा चलो अच्छा डबल डिफ्रेंसिएशन क्या है ये भी चेक कर लो तो सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू बस इतनी बात अब आइए एक पेज और चाहिए बेटा हमें तो सबसे पहले तो यहां टेबल निकाल दो ठीक है यहां लिखो x x की जो वैल्यू है वो यहां f डबल डैश में वो x की वैल्यू स्पूट करिएगा यहां पे हम साइन चेक करेंगे साइन और यहां पे हम रिजल्ट भी बताएंगे कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा और लास्ट में हम वो वैल्यूज बता देंगे अच्छा हिंदी में है अगर हम तो हम यहां पे चिन्ह बताएंगे और परिणाम की घोषणा करेंगे कि यहां पे मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा पक्का अब यहां पे हम वो मान बताएंगे कि भाई मैक्सिमम मान क्या और मिनिमम मान क्या होगा जल्दी से आपने टेबल बना लिया तो बहुत अच्छी अब आपके अब आपके आपके पास पास की की कितनी वैल्यूज वैल्यूज सिर्फ दो ही है। याद करिएगा कैसे? कहां पे था ये? तो देखो का मान कितना बेटा? और टू माइनस वन बाई रूट थ्री दो ही चीज अब इसके मेन स्क्रीन पे डबल डिफ्रेंसिएशन कितना सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू पक्का अब आइए हम्म 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 अब देखो अब हम जरा अपने लिए एक सेपरेशन और डाल लेते बेटा एक्स का मान पक्का अब एक्स का मान हम डबल डिफ्रेंशिएशन में पुट कर देंगे ठीक है उसके बाद ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है एक बार हम देख लेंगे अब आगे ध्यान दीजिएगा जल्दी से चेक कर लेना ये तो सिक्स टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स में कितना पुट करना बेटा दो प्लस वन बाई रूट थ्री मतलब ठीक है बहुत बढ़िया यानी कितना सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दो प्लस वन बाई रूट थ्री और माइनस का दो पक्का गुड अब जैसे ही सवाल को देखिएगा तो मैं आपको एक बात बताऊं देखो दो से तो दो कट जाएगा बचेगा कितना वन बाय रूट थ्री अब बन बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो अब सिक्स रूट थ्री कैसा यानी ग्रेटर देन जीरो है एक ही बात है अब जैसे ही यह पॉजिटिव वैल्यू है अच्छा इसको चाहो तो आप युद्ध कर सकते हो कि okay, सर और भी छोटा हो सकता है हमें छोटे बड़े की जरूरत नहीं हमें सिर्फ साइन की जरूरत है कि यहां पे चिन्ह हमारे कैसे आते तो देखो हमारे पास सिक्स अपॉन रूट थ्री आया था सिक्स के अपॉन में रूट थ्री और सिक्स अपॉन रूट थ्री को अगर काटा पिटी मचाना चाहे तो टू रूट थ्री बच जाएगा बेटा अब टू रूट थ्री कैसा हमारे पास पॉजिटिव यहां पे साइन कर देता हूं कैसा यहां पे अब एक बात बताओ ये किसका साइन है ये एफ डबल डेक्स का साइन है एफ डबल डेक्स ऑफ कितना टू प्लस वन बाई रूट थ्री का साइन है इसका मतलब अब चेक करना है देखो डबल डिफरेंशिएशन कोई वैल्यू पुट करो और वो प्लस आ जाए मतलब उस पर मिनिमा मिलेगा क्या मिलेगा मिनिमा मिलेगा तो लिख दो अतः फलन कहा x बराबर दो प्लस वन बाई रूट थ्री पर निम्निष्ट मान देगा मिनिमा लिख दो ना बहुत बार हमने निम्निष्ठ तो लिखा ही है तो एक बार इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत सही पक्का मिनिमम वैल्यू देगा अच्छा चलो जगह बच भी रही है निम्निष्ट मान देगा खत्म या मिनिमम वैल्यू देगा तो दो में से किसी एक को ब्रैकेट में रख देता हूं ठीक है इंग्लिश वाला रख देता हूं अब वैल्यूज़ क्या होगी तो वो मेन सवाल में आपको पुट करना पड़ेगा ठीक है ना तो तो पहले वो चेक कर लेते फिर दो माइनस वन बाई रूट थ्री को बराबर कितना हो जाएगा चेक करो तो ये हो जाएगा बेटा सिक्स टाइम्स ऑफ दो माइनस वन बाई रूट थ्री दो माइनस वन बाई रूट थ्री और ये कितना है माइनस का दो एक्स माइनस टू है बोले हाँ दो से दो कर जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री बचेगा तो सिक्स इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का टू रूट थ्री मिला ठीक है अब ये माइनस टर्म्स बचा मतलब कितना है? निगेटिव है देखिएगा एफ डबल डैस एक्स कितना है दो माइनस वन बाई रूट थ्री पर कितना बेटा निगेटिव है अगर निगेटिव है तो उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा तो लिख देना अतः कितना फलन फलन या एफ एक्स फलन x बराबर किस पे तो दो माइनस वन बाई रूट थ्री पर उच्चिष्ट मान देगा हम्म समझ गए बहुत बढ़िया अब अगर आपने ये लिख लिया है तब ये आपने समझो कि आपने आधा काम तो कर लिया अब आपके पास क्या काम बचा अब बहुत बढ़िया आप सुकून से काम कर सकते हैं देखो मेन सवाल पे जाइए जरा मेन सवाल पे पूछा क्या था फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है ये कब देगा ये नहीं पता करना था एक स्टेप बढ़ के आपसे पूछा है तो सवाल देख लो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री तो लिख लो सवाल बराबर क्या है फलन बराबर x माइनस वन एक्स माइनस दो एक्स माइनस थ्री मैंने ठीक है अब x का यह मान रखना है सब में एक बार चेक कर लीजिएगा ठीक है अब वैसे तो मैं तो चाह रहा हूं कि देखो कैलकुलेशंस ना कहीं और पुट कर लो और उसपे वैल्यूज पुट कर लीजिएगा तो देखो मैं ना एक स्क्रीन और ले, ले लेता हूं उसके बाद अपन ये वैल्यूज पुट कर लेंगे या एक काम करता हूं रफ वर्क इधर करता रहूंगा बाद में उधर पुट कर लेंगे तो देखो यहां कितना वैल्यूज है हमारे पास एक्स की वैल्यू कितना दो प्लस वन बाई रूट थ्री दो प्लस वन बाई रूट थ्री बाई वैल्यू स्पूट कर दीजिए दो प्लस वन बाई रूट थ्री माइनस का वन ओके फिर कितना मल्टीप्लाई में दो प्लस वन बाई रूट थ्री नहीं यार यहां पे कैलकुलेशन इशू करना ठीक बात नहीं है हम पीछे लिख देते हैं वहां पे लिख दीजिएगा पक्का तो एक काम करेंगे इसको मैं पीछे लिख देता हूँ और फिर उसके बाद वैल्यूट करते रहते हैं पहले जल्दी कॉपी कर लो बेटा इतना शाबाश लिख लिया अब देखो ये सवालों को पीछे मैं कॉपी कर लेता हूं तो देखो एफ एक्स को कर लेता हूं और मैं जो एक्स वैल्यू पुट करना उसको रख लेता हूं शाबाश तो ये देखो लिख लिया अब इसके ऊपर एक खुद ही आपको एक लंबा कैलकुलेशन मिल जाएगा जो कि चार पांच मिनट वैसे एग्जाम में खा जाएगा तो इसको थोड़ा सा जल्दी करने का अभ्यास कीजिएगा आइए फंक्शन में आएगी दो प्लस अच्छा दो प्लस वन बाई रूट थ्री माइनस वन फिर कितना दो प्लस वन बाई रूट थ्री माइनस दो. दो प्लस वन बाई रूट थ्री और ये कितना माइनस तीन तो चेक कर लो एक बार तो एक बार देखो दो से तो दो ये कार्ड दो।, दो से ये दो काट देना दो से ये एक चला गया तो वन बच जाएगा और दो में से तीन चला जाएगा तो माइनस वन बच जाएगा ठीक है ना तो कैलकुलेशन फास्ट कर लेना क्योंकि इसकी खास जरूरत नहीं आपको तो सिर्फ वैल्यूज निकालना है अब बारहवीं में आएगा इतना तो टेंशन तो नहीं तो वन प्लस वन बाई रूट थ्री और ये देखो ये कितना है वन बाई रूट थ्री माइनस वन

यानी कितना हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री तो माइनस टू बाई माइनस टू के अपॉन में थ्री रूट थ्री कितना बेटा तो माइनस टू के अपॉन में थ्री रूट थ्री तो ये जो है ना कैलकुलेशन आपका समय बचा देगा अब यार आपने रफ वर्क में कर लिया तो खुश बहुत बढ़िया तो ये सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं है बेटा हाँ थोड़ा लेंथ ज्यादा है तो माइनस टू अपॉन थ्री रूट थ्री लिख दो माइनस टू अपॉन थ्री रूट थ्री ओके okay. और ये कितना था सवाल हमारे पास दो प्लस वन बाई रूट थ्री प्राप्त तो है तो सबसे छोटा मान ही होगा लेकिन अभी मान हुआ। तो जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं मैक्सिम वाले मान की तरफ तो चलो ये वाला कैलकुलेशन कॉपी है ओके गुड बॉय बहुत बढ़िया अब आगे देखो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको कुछ नहीं करना ये वाला सवाल की तरह एकदम मासूम से जहां जहां ये प्लस था ये कितना था पे दो था ओ ओ। कलर अलग ही चेंज कर लेता हूं दो माइनस वन बाय रूट थ्री अपपुट कर देते हैं दो माइनस वन बाई रूट थ्री दो माइनस वन बाई रूट थ्री और दो माइनस वन बाय रूट थ्री सवाल में देखो माइनस वन दो माइनस वन कितना था तो वन माइनस वन बाई रूट थ्री पहला माइनस का वन बाई रूट थ्री यही बचेगा आगे यहां क्या बचेगा माइनस दोनों में से बाहर ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा वन बाई रूट थ्री और ये कितना प्लस का वन वन बाय रूट थ्री प्लस का वन और वन माइनस वन बाई रूट थ्री तो एग्जैक्टली और ये वाला माइनस तो ये हो क्या क्या वन बाई रूट थ्री ये माइनस अगर यहां डाल दे तो वन बाई रूट थ्री माइनस का वन ये कितना हो जाएगा वन बाई रूट थ्री प्लस का वन और इंटू में कितना ये वाला माइनस का वन या एक काम करो तो सुनो इतना नहीं सोचना ये माइनस ये माइनस कैंसिल कर लो हटाओ ये वाला माइनस से वाला माइनस कैंसिल ही खत्म तो ये हो जाएगा कितना वन का स्क्वायर माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर इंटू में वन बाई रूट थ्री हो जाएगा कितना थ्री थ्री माइनस वन टू टू बाई रूट थ्री टू बाई थ्री और यह वाला रूट थ्री तो टू अपॉउंड थ्री रूट थ्री तो जल्दी से कॉपी कर लो बेटा साहब टू अपॉउंड थ्री रूट थ्री कब जब आपने फंक्शन में टू माइनस वन बाय रूट थ्री पूट करा तो ध्यान करिएगा यह वाला जो वैल्यूज है बेटा वो मिनिमम वैल्यू यानी निम्निष्ट मान है और यह वाला कितना है आपका मैक्सिमम वैल्यूज है एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा अब इसके बाद हम चलेंगे अगले सवाल के ऊपर लेकिन जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिएगा बेटा एक बार तो बेटा अगर आपने लिख लिया तो अब ये इसको मिटा देते हैं पक्का अब मेन स्क्रीन पे चलते हैं और ये भी मिटा देते हैं पूरा लिख लिया था ना अच्छा ये स्टेप्स आप समझ जाया करो इंपॉर्टेंट है उसके बाद एक्स बराबर जितने भी वो पॉइंट्स आए उन पॉइंट्स को डबल में पुट करो या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा या तो जीरो आएगा पॉजिटिव आया मिनिमम वैल्यू Negative आया मैक्सिमम वैल्यू हाँ पॉजिटिव पे बच्चा बहुत बार सोचता है पॉजिटिव आया मतलब मैक्सिमम होता ना सर अरे नहीं डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है ना तो मिनिमम वैल्यू देगा डबल डिफरेंशिएशन है मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा आदमी सोचता है कि नेगेटिव है मतलब डाउन में जाएगा अरे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है मैक्सिमम जाएगा और ये जब जीरो हो गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी ना मैक्सिमा की स्थिति में है ना मिनिमा की स्थिति में है पक्का तो जल्दी से लिख लीजिएगा अब इसको मिटा दे रहा बेटा अगले सवाल की तरफ चलेंगे आइए इसको रहने देता हूं इसी को मिटाता हूं मैं पक्का जिंदगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना तो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है भाई अगला है प्रश्न क्रमांक दो का पार्ट ए निम्नलिखित फलनों के लिए स्थानीय उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु तथा उसके स्थानीय उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान ज्ञात करिए अच्छा देखो जैसे ये बात बोले ना अगर ये एक्स का सवाल है तो जैसे इसने बोल दिया ना कि स्थानीय उच्चिष्ट व निम्निष्ट बिंदु तो मतलब समझ लो एक्स का मान याद करना है एक्स की किस वैल्यू पे आपको उत्तर प्राप्त होगा अब जैसे इन्होंने आपको क्या करना है ना, वो X1, X2 ये वाला पुट कर आपको जवाब देना है पक्का ओके तो चलो आज का पहला सवाल फिर से शुरुआत कर रहे हैं ये वाला यानी कि आज का दूसरा सवाल मानेगा गुड अब आगे देखिए हमारा रूल क्या है सबसे पहले सवाल लिखेंगे चलो सवाल लिखा हुआ है पहली बात दूसरी बात इसको बोलते हैं है ना गुड उसके बाद कितना सिंगल डिफ्रेंसिएशन और डबल डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले निकाल दो डिफ्रेंसिएशन ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बारह एक्स प्लस का दो मैंने बहुत अच्छा अब आगे ये कितना हो जाएगा नाइन बाहर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स प्लस का बारह एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन नाइन टू जा एटीन एक्स प्लस का बारह चाहो तो आप कुछ कॉमन ले सकते हो बिल्कुल कॉमन ले सकते सर तो एफ कितना <coughs> क्या बात है <coughs> छह थ्री एक्स प्लस का दो मैंने बोला इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकता तीसरा जल्दी से यहीं पे निकाल देते हैं अच्छा चलो ठीक है पहले ये नोट कर लो उसके बाद आगे निकालते बेटा क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन के लिए फिर जगह ही नहीं बचेगी तो पहले यहां कॉपी करो गुड बॉय तो अब जब सिंगल डिफरेंशिएशन हो चुका है तो डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं आइए तो लिखिए एफ डबल डेक्स बराबर कितना बेटा जी तो ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ सिंगल एफ डेक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ अब प्यार से देखो इस सवाल को वाह देखिए क्या लिखो बेटा सिक्स टाइम्स ऑफ थ्री एक्स प्लस टू सिक्स टाइम्स ऑफ थ्री एक्स प्लस टू ओके थ्री एक्स प्लस का दो मिला ठीक है अब यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ अब ये कांस्टेंट बाहर निकाल लिया जाए मिला हा ठीक है छेलो अब थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन फिर दो का डिफ्रेंसिएशन तो थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन थ्री दो का शून्य तो लिखने का तो कोई मतलब है नहीं लेकिन लिख देते दिया भाई एक बड़ी प्यारी सी बात आपको बताना चाहता हूं मैं देखो आपको तो x की जरूरत ही नहीं है आपका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन अठारह मतलब ये पॉजिटिव नंबर है दुनिया में कोई भी एक्स पुट कर दोगे ना कोई भी एक्स तो भी आपका सवाल कैसा रहेगा हमेशा यानी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ही रहने वाला है तो ध्यान दीजिए एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स बस तो ये इसको बड़ा अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है बालक आइए ठीक है लिख लिया अब आपके पास सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो कर लो ताकि क्रांतिक बिंदु आ जाए ठीक है लीजिए क्रांतिक बिंदु के लिए बिंदु के लिए पहला क्या करेंगे F -X बराबर सुनने ले लेंगे अच्छा ये भी एक स्टेप है बढ़िया एकदम मासूम सा डिफरेंस डिफ्रेंसियन क्या बालक थ्री एक्स प्लस टू वाह टाइम्स ऑफ थ्री एक्स प्लस टू पूरा लिख दो बराबर शून्य मैंने बहुत अच्छा बात अब आगे छह तो शून्य के बराबर हो ही जाएगा तो लिख दो एक बार थ्री एक्स प्लस दो बराबर शून्य तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स बराबर माइनस दो एक्स बराबर कितना माइनस दो अपॉन तीन अब सुनिएगा अगर एक्स बराबर माइनस टू बाई थ्री तो माइनस टू बाई थ्री पे हमारा क्या है वो भी लिख लो. यहां पे. कलर थोड़ा चेंज करता हूं एफ डबल डैश एक्स यानी माइनस टू बाई थ्री पे हमारा सवाल फिर से अठारह का अठारह ही रहेगा क्योंकि एक्स है नहीं तो पुट कहां करेंगे तो जो हमारा डबल डिफरेंशिएशन वही पॉजिटिव यानी कि यह पॉजिटिव है यह ग्रेटर देन जीरो है अतः इस पे क्या प्राप्त होगा तो जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब मिनिमा, यानी निम्निष्ट प्राप्त होने होगा इसके अलावा क्या हो जाएगा लिखिए अतः फलन x बराबर माइनस दो बाई तीन पर निम्निष्ठ निम्निष्ठ निमिष्ट प्रदान करेगा बस अब जब यह प्रदान करेगा तो अब क्या मान प्रदान करेगा यह भी तो देखना है ना तो देखो वो कहां से तो वो सवाल में वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास सवाल क्या है एक बार जरा उसको भी चेक करना पड़ेगा तो पहले जरा कॉपी कर लीजिए बेटा यहां तक अब उसके बाद हम आगे चलेंगे पक्का देखिएगा अब हम चलते हैं आगे की तरफ ठीक है हमने पहले से यहां पे लिख रखा है निम्निष्ट मान के लिए के लिए हल ठीक है अगर हल नहीं भी लिख रहे तो आगे देखेगा क्या है हमारे पास सवाल क्या है हम जब अपने सवाल की तरफ जाते हैं तब हमारा सवाल की तरफ तर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का बारह एक्स प्लस का दो कितना है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का बारह एक्स प्लस का दो देखिए नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का बारह एक्स प्लस का दो क्या बेटा ये फंक्शन है अच्छा एक्स बराबर किस पे आया था मान वो भी चेक कर लो तो एक्स बराबर किस पे तो एक्स बराबर माइनस दो बाय तीन कैसे प्राप्त हुआ था जब आपने क्रांतिक बिंदु निकाला था तो क्रांतिक बिंदु हुए वो बिंदु होता जिसमें कितना उच्चतम प्राप्त, प्राप्त होता तो माइनस दो बाई तीन पुट कर दीजिए बेटा लिखिए एक्स बराबर माइनस दो बटा तीन अब बस कुछ नहीं करना आपको इस प्यारे से सवाल में फंक्शन में माइनस दो बटा तीन पुट करना है बात खत्म ध्यान दीजिए नौ का गुना माइनस दो बटा तीन के स्क्वायर के साथ प्लस बारह का गुना माइनस दो बटा तीन के साथ प्लस दो कैलकुलेशन आपकी बात है नौ गुना दो का माइनस दो का स्क्वायर चार तीन का स्क्वायर नौ अब माइनस का प्लस अब एक बात ध्यान दीजिएगा तीन से ये बारह कट जाएगा चार बार में थ्री फोर जा है ना तो चार का मल्टीप्लाई माइनस से थ्री टाइम्स ऑफ माइनस टू कितना हो, हो माइनस आठ प्लस का दो अब यहां भी जरा अगर आप देखें तो नौ से नौ कट जाएगा अब अगली बार हमारे हमारे पास पास बचेगा क्या हमारे पास बचने वाला है चार माइनस आठ प्लस का दो तो चार और दो छाइनस आठ बराबर माइनस दो तो फंक्शन हमारे क्रांतिक बिंदु जो कि माइनस टू बाई तीन है यान थ्री है उस पर हमें क्या मान दे रहा बेटा माइनस दो तो ये माइनस दो क्या है तो माइनस दो एक बार चेक कर लीजिए हमारे पास उच्चिष्ट है कि निम्निस्ट है तो ये निम्निष्ट प्रदान करेगा तो लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा अतः पूरा प्रेम से उत्तर लिखिए बेटा उत्तर क्या उत्तर लिखिएगा फलन क्या नाम था नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का बारह एक्स प्लस का दो कब एक्स बराबर माइनस दो बाई तीन पर निम्निष्ट मान निम्निष्ट मान कितना फंक्शन ऑफ माइनस टू बाई थ्री बराबर कितना माना बेटा माइनस दो प्रदान करेगा मतलब बहुत अच्छा अब यहाँ पे उत्तर ऐसा लिखते ना आ, पूरे स्टाइल में लिख सकते हो आप तो मेरे प्यारे बच्चे ये वाला सवाल खत्म हुआ, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ जल्दी नोट करिए बेटा शाबाश अगर आपने ये लिख लिया तो इसको मिटा दे गुड बॉय अब जरा हम अपने मेन सवाल को अब आ जाते हैं तो हमारे पास अगला सवाल क्या है जो मेन में है निम्नलिखित के लिए भाई

हमारे पास सबसे पहला रूल डिफरें सवाल ले लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन मतलब पहले बात तो यही हो गई दूसरी बात जगह बचाइए भाई एफडेक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा सवाल अब ये पूरा प्यारा सा सवाल कितना है एक्स क्यूब प्लस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का वन बहुत ही प्यारी सी बात अब आगे एक्स क्यूब का मतलब थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर बाहर एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस थ्री एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन प्लस का शून्य अब हम बात करते हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर क्या बात है एट एक्स माइनस का थ्री ये हमारा कितना हो गया बेटा एफ डैस एक्स एफ डैस एक्स नोट कर लीजिएगा हमारे पास ये तो फलन था ही पहले हमारे पास अब हमारे पास तीसरा टर्म्स एफ डबल डेस एक्स फिर क्रांतिक बिंदु पक्का आइए एफ डबल डेस एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एफ x F -S -S, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला सवाल कितना थ्री एक्स स्क्वायर एट एक्स माइनस थ्री कितना कुछ कॉमन लेना चाहो तो टू बाहर ले लो बस इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं बिल्कुल दो बाहर ले लीजिए दो बाहर ले लेंगे ले तो यहां बच जाएगा बेटा थ्री एक्स और यहां पे कितना बच जाएगा प्लस का आठ जगह प्लस का चार। क्योंकि दो सी कॉमन ले लिया ना आपने ओके। तो 3X चार ये आपका कितना तो अगले स्क्रीन पर कॉपी कर लेते बेटा चलिए लिखिए तो कितना थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स है एट एक्स माइनस थ्री थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का एटेक्स माइनस तीन किस चीज के लिए कर रहे हूं अपना ये तीसरा स्टेप है तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए मैंने अच्छा बहुत बढ़िया क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं हम तो हम करते हैं अपने डिफ्रेंशिएशन को शून्य के बराबर लेते हैं ये लो अरे भाई खिसक जाओ नीचे गुस्सा क्यों करते हो एफ डैश एक्स बराबर शून्य तो यानी ये बराबर शून्य तो क्या करेंगे आप इसको थ्री एक्स स्क्वायर इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हाँ तो याद करो इसको एट एक्स को क्या तोड़ दोगे आप नाइन एक्स माइनस एक्स में फिर कितना माइनस का तीन बराबर जीरो अब कॉमन ले लो दोनों में से तो थ्री एक्स बाहर कितना हो जाएगा एक्स प्लस का यहां से तो तीन बाहर तो एक्स बचा और यहां से तीन बाहर तो बचेगा तीन माइनस वन बाहर तो एक्स प्लस का तीन मैं ठीक है बहुत बढ़िया अब आगे एक्स प्लस तीन बाहर थ्री एक्स माइनस वन बाहर अब यहां पे क्या करिएगा एक कितना थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो अब यहां एक्स बराबर कितना माइनस तीन और यहां थ्री एक्स बराबर कितना वन एक्स बराबर वन अपॉन थ्री तो क्या सवाल बहुत टफ था नहीं ये आपके दो क्रांतिक बिंदु हुआ कितना माइनस थ्री और कितना X बन थ्री। अब इन दोनों पे या तो मैक्सिमा मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा लेकिन इसकी पुष्टि कौन करेगा डबल डिफ्रेंसिएशन कौन करेगा डबल डिफ्रेंशिएशन तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से सवाल सॉल्व करते हैं आगे आइए अब आगे देखिएगा दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट यही कर लेते ना आइए चौथा पॉइंट एक्बल डैश एक्स चेक करते हैं अब एफ डबल छुपा हुआ बेटा कितना का का लिखिए। पक्का एक बार और कंफर्म कर लो थ्री एक्स प्लस फोर का टू टाइम्स ओके ठीक है अब हमारे पास एक्स का कितना माना है एक्स के दो माना है बेटा। एक्स बराबर वन बाई तीन दोनों पे एक बार वैल्यू पुट कर लो भी चेक कर लेते सर देखिएगा तो x बराबर किस मान के लिए वाला? तो x बराबर के लिए और अगली बार x बराबर किसके लिए तो वन बाई थ्री के लिए ठीक है एफ डबल डैश ऑफ तीन माइनस वाला मतलब ठीक है सर पुट कर लो तो टू टाइम्स ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ माइनस का थ्री प्लस का फोर अब आगे माइनस का नौ प्लस का चार का दो से मल्टीप्लाई माइनस का पांच तो माइनस का दस इजी है अब आगे एक्स बराबर वन बाई थ्री तो एफ डबल डेस एक्स कितना एक्स बराबर वन बाई थ्री अब आगे चेक कर लो तो कितना हो जाएगा ये बताओ ये हो जाएगा आपके पास कितना तो फंक्शन में वन बाई थ्री पुट करना है मतलब बहुत अच्छा अब आगे देखिएगा फंक्शन कितना हमारे पास टू टाइम्स ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर अब एक्स की वैल्यू कितना था वन बाई थ्री प्लस का फोर अब ये कितना था तो टू टाइम्स ऑफ तीन से तीन कर जाएगा वन प्लस का Four. तो ये कितना जाएगा पांच गुना दो बराबर दस समझ में आया तो बड़ा इजी सा सवाल था अब आगे आपको आगे, 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 आगे बताते हैं कि एक्स बराबर माइनस तीन पुट करने पे ये कितना है माइनस दस मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव. मतलब एफ डबल डैश एक्स किस वैल्यू पे माइनस तीन के ऊपर निगेटिव है पक्का और यहां कितना पॉजिटिव है तो लिख दीजिएगा एफ डबल पे, क्या है बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, है, यानी भाई दस मिल रहा ना, तो ओके, okay. अच्छा, इसको प्यार से आप क्या लिख सकते हैं ऐसा, कि लेस देन जीरो और यहां पर कितना लिख सकते थे आप ग्रेटर ग्रेटर मतलब अब हमें स्पेस की जरूरत है

कैसा है निम्निष्ट बिंदु है देखो क्यों क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन वहां पे कितना आपको पॉजिटिव मिल गया लेकिन सवाल में एक चीज और बच गया क्या बच गया बेटा तो सवाल में बच गया कि स्थानीय उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात करिए तो मान कैसे ज्ञात करेंगे अब उसके लिए मेन सवाल में वैल्यूज पुट करना है अब एक बार आप जल्दी से अगर ये नोट कर लें है ना उम्मीद तो है कि आपने नोट कर ही लिया होगा ठीक है ये वाला भी आपने नोट कर ही लिया होगा तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है पक्का तो वो थोड़ा थ्योरी के लिए हमें स्पेस चाहिए तो ये तो हमें क्लीन करना ही पड़ेगा तो पक्का जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा आप अब मैं ये मिटा दे रहा हूं ठीक है ना जल्दी आइया ठीक <coughs> है यहां लिखिए नोट में अतः x बराबर माइनस तीन पर फलन फलन x बराबर तीन पर फलन क्या करेगा माइनस है निगेटिव है मतलब उच्चिष्ट मान प्राप्त करेगा उच्चिष्ट मान प्राप्त करेगा उच्चिष्ट बिंदु की बात करें अगर वो उच्चिष्ट बिंदु तो अगर x का फलन है तो x में ही उतर आएगा x बराबर माइनस तीन खत्म गुड अब हम बात करते हैं उच्चिष्ट मान की हम उच्चिष्ट मान की बात करेंगे अगर अच्छा वो इसलिए बचा के रखा है चिंता नहीं करो तो इसके बाद तीसरे के बाद चौथा पॉइंट चौथा चौथा पॉइंट तो ये पांचवा पॉइंट उच्चिष्ट मान तो क्या करते कुछ नहीं फलन में वो आप उच्चिष्ट बिंदु रख दो यानी एक्स बराबर कितना पुट करना माइनस तीन बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आप ध्यान दीजिए मेन सवाल क्या था दौड़ के आइए अब ये मेन सवाल आपका था इतना बड़ा एक्स क्यूब प्लस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस का वन कितना एक्स क्यूब प्लस का फोर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन मतलब अभी उत्तर लिख दो तो एक्स का मान कितना माइनस तीन की पावर तीन माइनस सत्ताइस प्लस चार गुना माइनस तीन का स्क्वायर तो माइनस तीन का स्क्वायर कितना नाइन और नाइन फोर जा थर्टी सिक्स माइनस थ्री इंटू एक्स का मान माइनस थ्री मतलब कितना प्लस का नौ मतलब बहुत अच्छा प्लस का वन मतलब प्लस का वन अब एक बड़ी प्यार से एक बात सुन लो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स और वन थर्टी सेवन थर्टी सेवन में से कितना ट्वेंटी सेवन चला जाएगा तो कितना बचेगा थर्टी सेवन में से ट्वेंटी सेवन चला जाएगा तो बचेगा दस अब ये वाला दस प्लस का नौ भाई साहब उन्नीस अतः प्रेम से लिखिए उच्चिष्ट मान फलन का उच्चिष्ट मान फलन का उच्चिष्ट मान अरे रुक जाओ कितना है बेटा उन्नीस है तो ये जल्दी से कॉपी करिएगा अच्छा ये कॉपी कर लोगे तो एक तीन पर आपको मिलेगा अब हम बात करेंगे प्राप्त होने वाला था तो उसके लिए भी एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या होने वाला है तो प्यारे बच्चे पहले तो आप ये नोट कर लो उच्च मान वाला पक्का नोट कर लिया गुड अब जैसी आप ये करोगे अब ये इसको डिलीट कर दूंगा मैं देखिए ये होता भाई टेक्नोलॉजी खत्म अब देखिए अब हम जरा इसको चेक कर लेते हैं ये यहां लिख देते हैं

निष्ठ बिंदु तो ध्यान दीजिएगा लिखिए अतः फलन x बराबर वन बाई तीन पर निम्निष्ट मान प्राप्त करेगा प्राप्त करेगा इसका मतलब अर्थात निम्निष्ठ बिंदु x बराबर कितना वन बाई तीन अरे क्या बात है लिखा एकदम जबरदस्त है तो जल्दी से कॉपी कर लो बेटा शाबाश अब आगे हम जल्दी से क्या करने वाले हैं हम निम्निष्ठ मान ज्ञात करने वाले क्या करने वाले है? निम्निष्ट मान अब आगे देखिए एक और बढ़िया कलर लो यार तब से एक ही कलर यूज कर रहे हैं निम्निष्ठ मान के लिए क्या तो देखिए अच्छा निम्निष्ठ जो ऐसा लिखते ना आप इसकी तरह ऐसा भी लिख सकते म पूरा लगा करके ना यहीं पे डाल देना तो निम्निष्ट मान अब आगे देखो तो मतलब फंक्शन में वन बाई थ्री पुट कर दिया जाए अब फंक्शन लेके आ जाए फंक्शन क्या था तो फंक्शन क्या था हमारे पास ये था बेटा एक्स क्यू प्लस का फोर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का वन अब चेक कर लीजिएगा क्या मिलेगा एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे वन बाई थ्री का क्यूब प्लस का फोर टाइम्स ऑफ वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वन बाई थ्री फिर बेटा प्लस का वन अब ये हो जाएगा हमारे पास कितना एक अपॉन सत्ताईस ठीक है प्लस का चार के अपॉन में तीन का स्क्वायर नौ ओके माइनस तीन से तीन कर जाएगा बेटा माइनस वन और यहां पे प्लस का वन ये दोनों खुद कैंसिल हो गए अब ये क्या बचेगा वन अपॉन सत्ताईस प्लस कितना चार अपॉन नौ सत्ताईस और नौ का एल सत्ताईस अब यहां एक बचेगा तीन चार बारह तो कितना जाएगा तेरह अपॉन सत्ताईस तो तेरह पौन सत्ताइस क्या हमारे पास वो सबसे छोटा वैल्यू है जो फंक्शन अपने पूरे ग्राफ में देने वाला है तो लिख लीजिएगा अतः अतः फलन का कौन सा निम्निष्ट मान निम्निष्ट मान कितना है फंक्शन ऑफ वन बाई थ्री पर तेरह बाई सत्ताईस प्राप्त हुआ है मैंने बहुत अच्छी बात है वाह कर लिया कॉपी साबाश अब जल्दी से इस सवाल को एक बार नोट कर लो बेटा गुड बॉय बहुत बढ़िया तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इसको कॉपी कर लिया है तो अब इसको हटा दीजिए वक्त देखिए घड़ी की तरफ देखिए वक्त हो चुका है अब क्लास को यहीं पे समाप्त करने की शुरुआत करते हैं बिल्कुल सही वक्त है मेरे प्यारे बच्चों हम और मैग्नेट ब्रेन आप सब मिलके बहुत मेहनत करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट तो गारंटेड हम तैयार करेंगे अच्छा आपके इस गारंटेड सफलता के पीछे हमारी पूरी मैग्नेट ब्रेंड की टीम की बहुत बड़ी मेहनत रहती है और उस मेहनत के लिए हम आपसे एक छोटी सी गिफ्ट मांगते हैं तो पहले हम अपनी मेहनत दिखाते फिर गिफ्ट मांगते हैं देखिए हमारी मेहनत में एक और अच्छी सी गिफ्ट है आपके लिए भी फिर हम आपसे मांगते हैं वो ये है बेटा कि अब मैग्नेट ब्रेन के सारे वीडियोज आप YouTube चैनल के अलावा आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पे भी और ये सारे वीडियोस 100 परसेंट वॉचिंग फ्री है इन रिटेन है बेटा आइए अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाया है और नोट्स बढ़िया क्वालिटी के नहीं बनाए हैं तो चिंता नहीं करना सबसे बेस्ट क्वालिटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहां पर दूसरा एग्जाम के टाइम पे अगर आपको यह समस्या रहती सर किस किताब से पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किधर है तो चिंता फिर से छोड़ दीजिए फिर से मैग्नेट बनना आपकी मदद करेगी ई बुक्स के फॉर्म में ये दोनों मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हुए वहां जाइए और लीजिए ये हमारी मेहनत अब एक छोटी सी प्यारी सी आपकी मेहनत क्या तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक छोटा सा सपोर्ट किसके ऊपर तो भाई साहब यूट्यूब के ऊपर ट्विटर के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर के ऊपर और हमारे के इतना तो कर ही सकते हैं आप हमारे लिए एक बड़ी प्यारी सी बात और बताना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन आपके लिए लेके आता है किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की बहुत सारी वीडियोस ध्यान दीजिएगा जी बिल्कुल मैं जॉनी जॉनी यस पापा वो वाली जो है ना क्लास यानी गार्डन अभी तो बचपन वाली चीजें याद भी नहीं होगी वहां से लेकर के कहां तक क्लास ट्वेल्व जब कैरियर का फाइनल स्टेज में भी इतना सारा मटेरियल है ना कि हम आपको बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हाँ कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं दो चार पांच चीजें देख लीजिए हमने लिख के भी रखा आपके लिए कुछ टॉप कोर्स में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का पूरा कैरिकुलम मिलेगा आपको साथ ही साथ सबसे बड़ा इश्यू होता है लोगों को स्पोकन इंग्लिश में तो बिल्कुल चिंता मत करिए मैगनेजमेंट फिर से आपकी मदद करेगा टॉप लेवल के एग्जाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ओके नेशनल लेवल के टैलेंट सर्च एग्जाम एन अगेन एट टॉप लेवल एग्जाम ओलम्पियड इनकी भी हम तैयारी कराते हैं इनकी भी वीडियोस पड़े हुए हैं और बड़ी प्यारी बात हमारे हिंदुस्तान के हृदय की भाषा हिंदी भाई इसको कैसे छोड़ सकते हैं और अगर भाषा किसी शिक्षा को ग्रहण करने में अवरोध बने मैग्नेट ब्रेड पीछे कैसे रहेगा तो बिल्कुल हमने आपके लिए सीबीएसई हिंदी मीडियम भी लॉन्च किया बेटा तो सीबीएसई हिंदी मीडियम पे आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं भाषा की बाध्यता खत्म करते हम आगे स्टेट्स का इशू है फिर से चिंता मत करिए यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड और अन्य बोर्ड्स की भी पढ़ाई का कैरिकुलम वीडियोस हमने आपके इस पोर्टल पे अपलोड कर रखा है तो आइए यूट्यूब पे हमारे ऐप पे और हमारे वेबसाइट पे आइए और उन वीडियोस को पढ़िए और अपने ज्ञान में एकदम वृद्धि कीजिए एक बढ़िया रिजल्ट लेके आइए अपना नाम रोशन करिए अपने माता पिता का नाम रोशन करिए इस महान देश का नाम रोशन करिए और आपके इस कार्य से हमारा नाम तो रोशन होगा हो ही होगा और मेरे प्यारे बच्चों अब हम अगला वीडियो लाने के लिए जाना पड़ेगा तो ठीक है अपने इस प्यारे शिक्षक को दीजिए विदा अब हम जल्दी मिलते मिल जल्दी ही आपसे मिलते हैं जय हिंद जय भारत